हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारी जो सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें आज हम लोग लेके आए हैं जो हमारे टॉपिक है वो कार्बन का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की चेन में हम कैसे ढूंढेंगे कि कोई भी कार्बन का संकरण क्या है। जैसे आप संकरण मतलब आप जैसे नॉर्मली देखे होंगे कि लिखा होता है sp, sp2, sp3, इस तरीके से कैसे हम चेन में संकरण ढूंढेंगे। चलिए आइए कुछ बेसिक सी जानकारी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले संकरण निकालने के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप एक बात याद रखिए, वो ये है कि आपको याद रखना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुनिया का पहला जो बॉन्ड बनता है यानी सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। ये 11th का टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे दूंगा, मतलब कि नॉर्मल ट्रिक टाइप की, जिससे आप लोग याद रखे रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर जो सिंगल बॉन्ड बनता है, मान लीजिए पहला बॉन्ड जो अगर बन रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक ना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, यहाँ पर अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें होता है 1 सिग्मा, यानी एक से अकेले सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बात? अगर एक डबल बॉन्ड बने, ठीक ना, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक, एक सिग्मा एक पाई, यानी सिग्मा होगा तो ये पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वहां पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर है बात? फिर से देख लीजिए, एक बॉन्ड बनता है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, तो अगर एक बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ठीक है। इसी तरह दो बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है बात? इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये तो इसकी बात होगी। और लोन पेयर देखिए, समझ लीजिए लोन पेयर देखिए क्या होते हैं। जैसे आपने H2O का फॉर्मूला देखा होगा, तो H2O में होते हैं बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक ना, 2 लोन पेयर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा बात, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा 1 लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 लोन पेयर, ठीक ना। और इसी तरीके से अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर। तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या है, देखिए 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर, ठीक ना। अमोनिया आपको पता होगा, इसके पास 1 लोन पेयर होता है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 लोन पेयर। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे ये तो बेसिक सी बात थी कि जितने लोन पेयर, और ये ऐड कर देते अगर हम, इनको हम अगर ऐड करते हैं तो जो भी आएगा उस हिसाब से हमारा संकरण तैयार हो। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास आता है 2, क्लियर, 3, 4, तो 2 आया तो sp होगा, 3 आया तो sp2 होगा, और 4 आया तो sp3। ये है क्या, समझिए, जैसे आप जानते हैं s के पास एक ऑर्बिटल होता है, होता है, अभी आप बेटा समझते जाइए बस जो मैं बोलता चला जा रहा हूं, ठीक ना, देखते जाइए। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, ठीक, और पी के पास आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। एस के पास एक और पी के पास 3 ऑर्बिटल। तो अगर टू कह रहा है तो समझिए ये 2 बॉक्सेस जुड़ेंगे, तो 2 बॉक्सेस जुड़े, यानी कि एक एस का जुड़ा एक पी का जुड़ा, तो क्या बन गया, sp बना ना बेटा, समझ आ बात। अगर इसी तरह 3 आया, मान लीजिए इनका योगफल 3 आया, इनका योगफल यानी सिग्मा बॉन्ड और इसको आपने जोड़ा, 3 आया योगफल, तो 3 आया, तो इसी तरीके से एक एस का
आपने इंक्लूड किया और दो किसके इंक्लूड किए, p के, तो क्या हो गया s p 2 हो गया। इसी तरीके एक थी आपका चार आया तो एक s का और तीन p के, तो क्या हो गया s p 3 हो गया। अगर इसी तरह मतलब संख्या बढ़ती रहती है तो आगे की शर्त इंक्लूड होती चली। आपको पता है d में 5 होते हैं ठीक ना, d तो फिर आप वहां पे s p मान लीजिए 5 हो गया s p 3 d, तो इस तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं ठीक ना। इस तरीके से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक के जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस तरीके से ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपके इतनी सी बात, तो देख लीजिए और तो मैं इसको रब करके कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, कुछ एग्जांपल कराते हैं और फिर हम लोग देखते हैं ठीक ना। एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको बेटा। पाई आपको पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा यानी सिंगल, दुनिया का पहला बॉन्ड जो बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा कहते हैं। उसके बाद डबल में सिग्मा और पाई दोनों होते हैं, ट्रिपल में एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं ठीक। अभी लोन पेयर के बारे में बताया, दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर कहेंगे, चार इलेक्ट्रॉन को हम लोग दो लोन पेयर कहेंगे। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों ठीक ना, कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे होंगे ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं CH4 का ही लेते हैं। सबसे पहले CH4 बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसको करते हैं लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक। आप इसको ऊपर कर लीजिए, क्लियर है, ओपन कर लिया चारों तरफ कार्बन लगा के ओपन कर लिया ठीक ना, ओपन कर लिया। अब देखिए यहां पे चार तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, एक दो तीन और चार हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितने बने, यह फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड है चार, लोन पेयर कुछ है ही नहीं जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो गया संख्या हमारी पास टोटल आई संकरण की चार, तो चार मतलब क्या sp3, तो इसका संकरण क्या कहलाएगा sp3 टाइप, क्लियर है बात sp3 संकरण ठीक। चलिए इसको हम रब करते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं ठीक। बेटा बहुत इजी है, सिंपल है, अभी लोग करते रहेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक ना। तो चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं चलिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, क्लियर है बात। चलिए इसको करते हैं लोग सी एच थ्री नहीं होगा डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक ना, क्योंकि दो बॉन्ड इधर बना ठीक। चलिए तो आप इसको ओपन कर लीजिए, काम कर लो, तो ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का रहेगा, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे बेटा भी हम लोग करके आए थे सी एच फोर का उसी तरह, यहाँ एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, टोटल चार सिग्मा, चार है तो चार लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, है ही नहीं, जीरो है, तो फोर आया टोटल, तो हो गया क्या एस पी थ्री फोर का था। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा चार सिग्मा, वही सेम एज इट इज, कितना हो जाएगा एस पी थ्री, क्लियर। इसको देखिए ध्यान से देखिए, एक सिग्मा दो सिग्मा और तीन सिग्मा, चार नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड जहां बनेगा वहां पे एक सिग्मा एक पाई, तो ये हो जाएगा आपका तीन, प्लस लोन पेयर है नहीं ठीक, तो ये हो गया टोटल तीन, तो तीन का मतलब क्या होता है sp2, क्लियर है बात। इसको देखिए एक सिग्मा दो सिग्मा और एक इसका वाला सिग्मा ठीक ना, तो तीन इसके भी होंगे तो ये भी क्या होगा sp2 टाइप, क्लियर है बात। देख लीजिए एग्जांपल और इसको फिर हम हटाते हैं। चलिए रब कर देता हूं, चलिए बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड सी एच। चलो चलिए बेटा इसको ओपन कर लेते हैं,
चलिए दिख रहा है सबको? ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखो, एक दो तीन चार, चार सिंगल बॉन्ड यानी कि चार सिग्मा। तो इस वाले कार्बन का जो पहले नंबर पे लगा है, इसका हो गया क्या संकरण? sp3। कैसे? चार का मतलब क्या होता है? sp3 बताया ना कि एक s का ऑर्बिटल और तीन p वाले, तो टोटल क्या हो गया? sp3, एक s और p तीन, sp3। इस वाले कार्बन को देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, इसका भी क्या हो गया? sp3। इसका भी क्या बनेगा? sp3 बनेगा। इसको भी देखिए, एक दो तीन चार, तो इसका भी क्या बनेगा? sp3। इसी तरह नीचे वाले का भी क्या बनेगा? sp3। इसको काउंट करिए, एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा, यानी टू सिग्मा, यानी जब दो बनता है, दो सिग्मा रहता है, तो कौन सा होता है? sp। बताया ना, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कहीं पे भी है नहीं, तो जीरो रहेगा, यानी कि टोटल टू, और टू आता है तो sp होता है। कैसे? एक s का ऑर्बिटल आता है और एक p वाला आता है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए सब लोग? ठीक, इसको देख लीजिए आप लोग एग्जांपल, ठीक ना। और हाँ, लास्ट वाला बच गया, सॉरी लास्ट में देखिए, एक दो दो, ये भी क्या होगा हमारा? sp। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही है? ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक आखिरी चीज बता करके इसको खत्म कर देंगे। चलिए देख लीजिए, अगर मान लीजिए बेटा, कोई भी आपके पास नेगेटिव आयन दे रखा है, तो जितना नेगेटिव आयन है वो वन लोन पेयर कहलाएगा। यानी कि एक है तो एक लोन पेयर, अगर टू है तो समझ जाइए टू लोन पेयर। क्लियर है ना? यहाँ नेगेटिव आयन से मतलब है, यहाँ पे इसका ओपन करोगे तो आप इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक, माइनस। तो एक दो तीन, तो तीन तो इसमें हो गए सिग्मा, एक लोन पेयर है, तो कुल मिला के बने चार। तो चार का मतलब क्या होता है? sp3। इसको भी काउंट करेंगे, इसका मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर ना? माइनस चार्ज का मतलब माइनस लगे। और हाँ, जब माइनस लगे रहे तभी होगा, अगर प्लस लगा रहता है तो इसको नहीं मानेंगे, इसके साथ ये सब केस लागू नहीं होता है, इसको नहीं काउंट करते, सिर्फ इसको नेगेटिव आयन को। क्लियर है बात? नेगेटिव आयन ही कैलकुलेट होता है। ठीक, समझ में आ रही है बात? नेगेटिव आयन को एक लोन पेयर मानोगे, फॉर्मूला कहता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और लोन पेयर यहाँ पे आ गया माइनस वाला। क्लियर है बात? तो बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा बेसिक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कार्बन का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन है, वो बताने की कोशिश करी है, ठीक ना। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप देखते रहिए इसी तरीके से वीडियो, आपके सामने इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।